अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो गाइस मैंने बनाई है कि आप अपने बालों को कर्ल कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिंगर, और इसमें आपको कोई भी कर्लिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है। देखिए गाइस, जैसे मैंने अपने बाल किए हैं, मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने बालों को कैसे कर्ल कर सकते हैं और अपने बालों को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो गाइस चलिए मेरे साथ इस वीडियो बने रहिए और बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बालों को कर्ल करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मिडिल पार्टिंग करनी है। हमारे पास कर्लिंग मशीन अगर ना हो तो इस ट्रिक से आप अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रॉपर कर्ल तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ आप अपने आप को सेटिस्फाई ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि मैं करती हूँ, अगर मेरे पास कर्लिंग मशीन नहीं होती तो मैं इसी ट्रिक से अपने बालों को कर्ल कर सकती हूँ। सबसे पहले वाटर स्प्रे कर लें। आपको अपने बालों को सेमी ड्राई रखना है, ज़्यादा गीले नहीं करने हैं, थोड़ा ही थोड़ा आपको अपने बालों को गीला करना है। उसके बाद देखें आप, जैसे मैं करूंगी वैसे ही आप लोगों को करना है। देखें देखें, आपको इस तरीके से फिंगर में अपने बालों को लेना है और उसको ट्विस्ट करना है ऊपर की तरफ। ये आप देखिए, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ, आप ट्विस्ट करेंगे, फिर आपको नीचे वाला जो बालों का हिस्सा है उसको आपको ऊपर से नीचे की तरफ खिसका देना है, तो इस तरीके से बंध जाएगा। जैसे देखिए ये बन चुका है। अब मैं आपको स्लो मोशन में करके दिखाती हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए मैं बार बार आप लोगों को इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप देखिए इस तरीके से अपने सारे बालों में ये जो ट्रिक है उसकी मदद से आप अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। गाइस देखिए, मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि ये लंबी ना हो जाए। अब देखिए मैं सारे बालों में ऐसे ही कर लूँगी। देखें गाइस, बीच में अदनान आ चुका है, ये मेरा भांजा है, ये डिस्टर्ब करने के लिए आ गया। एक तरफ के बालों की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं दूसरी तरफ भी सेम यही प्रोसेस करूंगी। गाइस मुझे पता है कि गर्ल्स को बहुत शौक होता है अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल करने का, तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को समझाने की। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपके पास कर्लिंग मशीन नहीं है तो आप ये ज़रूर करें। नाउ दिस इज़ कम्प्लीटेड, और मैं कितनी फनी लग रही हूँ ये आप देख सकते हैं। गाइस आपको अपने बालों को ऐसे ही बंधे रहने देना है कम से कम जब तक आपके बाल सूख ना जाएं। 2 घंटे में मेरे बाल सूख चुके थे और अब मैं इनको ओपन करना स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कितने अच्छे हो गए हैं। आपको इनको ओपन कैसे करना है, नीचे जो बाल निकल रहे थे उसको आपको नीचे की तरफ पुल करना है, और ये देखें आप। ओह गॉड, ये बहुत ही ब्यूटीफुली कर्ल हुए हैं गाइस, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अब आप इनको हेयर स्प्रे से सेट कर लीजिए, और देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करें। देखें गाइस, ये मेरा जो लुक है वो कंप्लीट हो चुका है और मेरे बाल कर्ल हो चुके हैं। तो मैंने तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है। अगर मेरे पास कर्लिंग मशीन नहीं है और आप भी अपने आप को सेटिस्फाई ज़रूर करें। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो गाइस मैं फिर हाजिर हूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।